अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बात करेंगे हालोवीन की तारीख की, द हिस्ट्री ऑफ हालोवीन। हालोवीन वैसे तो अमेरिका में काफ़ी अरसे से मनाया जाता है, लेकिन रफ्ता चूंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, मुख्तलिफ और ममालिक में भी हालोवीन से मुतालिक बाज़ बातें हो रही हैं, बाज़ मालूमात आ गई हैं, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मुसलमान भी इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं और इसे यूँ मना रहे हैं जैसा कि कोई फेस्टिविटी हो। देखिए, हालोवीन एक हॉलिडे के तौर पर मनाया तो जाता है, लेकिन इसके लिए कोई छुट्टी नहीं दी जाती अमेरिका में। हर साल अक्टूबर 31 को हालोवीन जो है वो होता है अमेरिका में। इस साल जो है वो सैटरडे के दिन, जो कि आज का दिन है हमारे यहाँ, हो सकता है आप में से बाज़ लोग जो पाकिस्तान, इंडिया और मुख्तलिफ और मुल्कों में रहते हो, उनके लिए जब ये वीडियो देख रहे हो तो इतवार हो चुका हो। बहरहाल, तो इस साल अमेरिका में सैटरडे अक्टूबर 31 को हालोवीन जो है वो हुआ। ये एक्चुअली सावन ओरिजिन है, जिसे SAMHAIN करके लिखा जाता है। ये इसके प्रोनाउंसिएशन, लेकिन सावन आती है, सावन। सो इसमें होता क्या था कि लोग बॉनफायर यानी जलाते थे, यानी आग जलाकर उसके गिर्द बैठते थे और मुख्तलिफ किस्म के कॉस्ट्यूम्स भी पहनते थे, ताकि गोस्ट्स वगैरह को, बदरूहों को भगाया जा सके। जब 8th सेंचुरी में, अब से कोई 1300 साल कबल, पोप ग्रेगरी 3, उसने क्या किया कि November 1 को उसने ऑल सेंट्स डे करार दिया, क्योंकि वो वक्त था कि जो लोग इस त्यौहार को मानते थे वो ईसाइयत में दाखिल हो गए थे। उसकी वजह से इसने बजाय इसके कि फ़ौरन उनका त्यौहार ख़त्म कर देता, उसके अगले दिन इसने ऑल सेंट्स, यानी वो जो बुज़ुर्ग ईसाई बुज़ुर्ग गुजर गए, इनके यहाँ सेंट जो है वो गुनाहों से पाक किस्म के लोग ये कंसिडर करते हैं इन्हें, तो ऑल सेंट्स यानी कि अपने बुज़ुर्गों और औलिया का जो दिन है वो उसने November 1 को रख दिया। कि ये इस तरह इनका ये ट्रेडिशन जो है हालोवीन का, भूतों को भगाने वाला, ये फिर कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत जल्द ऑल सेंट्स डे जो है उसकी ट्रेडिशंस जो है वो सावन के अंदर इनकॉर्पोरेट होती रहीं, और ये रात हालोज ईव बन गई, यानी कि उस दिन से पहले की रात जिस दिन जो है हम अपने बुज़ुर्गों का, औलिया का दिन बनाएंगे, जिन्हें हालो कहा जाता था। हालोज ईव, वो रात जो ऑल सेंट्स डे से पहले की रात है, जो बाद में फिर हालोवीन बन गई। यानी इसकी, लेकिन जड़, इस वर्ड की जो जड़ है हालोवीन की, ये ईसाइयत में है। लेकिन जिन त्यौहारों को इसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है, उनका ताल्लुक केल्टिक लोगों से है। ये केल्टिक लोग कौन थे, ये केल्ट्स कौन थे, ये बेसिकली बुतपरस्त लोग थे। सावन जो है ये बुत परस्त लोगों का एक, आप समझ लें, पेगन्स ऑफ यूरोप। ये कहाँ आबाद थे, ये सेंट्रल यूरोप में आबाद थे, लेकिन वक्त के साथ साथ रोमन दबाव की वजह से ये वेस्ट की तरफ मूव होते रहे, और फिर ये इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन वगैरह के मुल्कों में आबाद होना शुरू हो गए। इनकी अपनी ज़बानें थीं, उनमें से कुछ ज़बानें आज भी बोली जाती हैं। मिसाल के तौर पे जो यूनाइटेड किंगडम है वो 4 मुल्कों का मुरक्कब है, जिसके अंदर इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, इसी तरह वेल्स है, और नॉर्दर्न आयरलैंड है। आयरलैंड की ज़बान हो जाए या वेल्स की ज़बान हो जाए, जो वेल्श होती है, और आयरलैंड की ज़बान आयरिश, ये दोनों जो है बेसिकली केल्टिक लैंग्वेजेस हैं, एंग्लो सैक्सन नहीं बल्कि केल्टिक लैंग्वेजेस हैं। और बहरहाल आयरलैंड में स्पेशली बहुत ज़्यादा ये त्यौहार जो है ये मनाया जाता था। जब ये आयरिश लोग अमेरिका आए तो ये अपने साथ जहाँ बाकी चीज़ें लेकर आए, ये कस्टम भी लेकर आए, लेकिन ये कस्टम क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका था, और इसकी जो असल जड़ थी उसको काफ़ी चेंजेस मिली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये बेसिकली अगर आप तारीख के पन्ने उलट के देखें तो केल्टिक जो लोग हैं ये सेंट्रल यूरोप में कोई 1200 BC के करीब इनका कल्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ था। तो अब से 3200 साल कबल, उसके बाद वक्त के साथ साथ ये फैलना शुरू हुए। ये ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस और स्पेन, ये इनके वक्त के साथ साथ गढ़ बन गए। रूमियों से, रोमन से इनकी जंगें भी हुई, बाज़ इलाके इन्होंने लूज भी किए, बाज़ इलाके रोमन्स ने इनके हाथों शिकस्त खाई। बहरहाल ये सर्वाइव कर गए।
کرسچینٹی کا جب دور دورہ آیا تو ان کے ہاں کرسچینٹی پہنچی, کیونکہ اگر آپ انگلینڈ کو دیکھیں یا آئرلینڈ کو دیکھیں تو یہ یورپ سے زمینی راستے سے نہیں لگے ہوئے, پانی کے اس پار جانا پڑتا ہے انگلینڈ کے لیے اور انگلینڈ کے پھر اس پار آئرلینڈ جانا پڑتا ہے. anyway, تو پھر آہستہ آہستہ جب یہاں کرسچینٹی آئی تو اب آپ آئرلینڈ میں ایک آپ سمجھ لیں درخت ہوتا ہے, اس کے پتے ہوتے ہیں, تین اس کے اندر ہوتے ہیں پتے, بس اس طرح کا وہ ہوتا ہے, تو اس کو انہوں نے یوز کیا کرسچینٹی کے لیے کہ دیکھو یہ جو ہے ٹرینٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جیسا ان کے ہاں ٹرینٹی ہے نا, تو وہ ٹرینٹی کا سمبل بن گیا اور آہستہ آہستہ وہ آئرلینڈ کے جو ہے وہ نیشنل سمبل بھی بن گیا, ان کے فلیگ کا حصہ بھی بن گیا. اچھا, اسی طرح اگر آپ غور کریں کہ شاید آپ لوگوں میں سے اس کا ایکسپوجر نہ ہوا ہو کسی کو, لیکن اگر آپ قبرستان میں اسپیشلی وہ لوگ جو امریکہ یورپ وغیرہ کے علاقوں میں رہتے ہیں, اگر وہ کسی عیسائیوں کے قبرستان جائیں اور وہاں کراس بنا ہو اور کراس کے پیچھے ایک دائرہ سرکل بنا ہو تو موسٹ پروبیبلی یہاں پر آئرش کرسچنز دفن ہیں. کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کیلٹس تھے یہ سورج کی پرستش کرتے تھے, جب عیسائیت کا ان پر دور دورہ آیا تو ان کی کچھ چیزیں برقرار رکھی گئیں اور آگے کراس لگا دیا گیا, یہ سمبلائز کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں, یہ تمام چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو گئی ہیں. تو لیکن اس سرکل کے آگے کراس لگا کر اس چیز کو سمبلائز کیا گیا کہ نیشنل جو ایک ان کی اٹیچمنٹ تھی سورج کے ساتھ وہ برقرار بھی رہے, ساتھ ساتھ یہ عیسائیت میں داخل ہو جائے. دیز ور آل پولیٹیکل مووز تاکہ لوگ امن و سکون سے رہیں, جسے ہندی میں شانتی کہتے ہیں, اور زیادہ شور نہ کریں, ان کو آہستہ آہستہ عیسائیت میں داخل کیا جائے, سمبولکلی کچھ چیزیں رکھی جائیں لیکن دین کے اعتبار سے یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. ساتھ ساتھ یہ ہسٹری بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 300 سال قبل مسیح میں, یعنی 3rd century BC میں, ان کا یعنی کیلٹس کا ہولڈ تھا مین یورپ پر, اور یہ ناردرن ایلپ سے ادھر دوسری طرف اور یہ تمام علاقہ. جب رومنس نے ان کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کی, یہ جولیس سیزر کے زمانے میں, جو کہ 100 سال قبل مسیح کی بات ہے یا اس دورانیے کی بات ہے, تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ان کیلٹس کو مارا گیا, ان کو پیچھے کی طرف پش کیا گیا, اور انہوں نے جنگلوں میں مختلف اور بیابانوں میں اپنے آپ کو سیکیور کیا, اپنے کلچر کو بچایا, مین لینڈ سے دور رہے اور اس طرح یہ اپنے آپ کو پریزرو کر پائے, یا سمندر کے اس پار چلے گئے جہاں پر رومیوں کا آنا ذرا دشوار تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ ان زمینوں میں داخل ہوتے, کتنے ہی لوگ تو سمندر میں بہہ جاتے. تو بہرحال رومیوں نے یہی طے کیا کہ وہ زمینی راستے سے فتح کرتے چلے جائیں گے, تو وہ بریٹانیکا اور جرمینیا وغیرہ فتح کرتے ہوئے اوپر اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرف جانے کی انہوں نے تھامی, لیکن یہ لوگ ایک طریقے سے سروائیو کر گئے. تو ان لوگوں کو جن کو ہسٹری کا شوق ہے, انہوں نے چند نام سنے ہوں گے جو میں آپ کو بتاتا ہوں آج, یہ سارے کے سارے ان کا اوریجن کیلٹک ہے, چاہے وہ گالز ہوں یا گیلز ہوں یا برٹنز ہوں کہ آئرش ہوں کہ گلیشینز ہوں, یہ سب کے سب کیلٹک ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سروائیو کر گئے تھے تو یہ عیسائی کیسے ہوئے؟ یہ سروائیو تو کر گئے اور عیسائی ان کو عیسائی کرنے میں بہت عرصے تک ناکام بھی رہے, یہاں تک کہ سینٹ پیٹرک کا زمانہ آیا. یہ 432 AD کی, یعنی کہ اب سے کوئی قریباً 1600 سال پرانی بات ہے, کہ سینٹ پیٹرک آئرلینڈ گیا, جو کہ آئرش ان کا گڑھ تھا کیلٹکس کا, یورپ مین لینڈ سے دور تھا, انگلینڈ ادھر اور دوسری طرف آئرلینڈ, اور انگلینڈ کے دوسری طرف سارا یورپ, لیکن سینٹ پیٹرک یہاں گیا اور اس نے جا کر سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ ڈروڈز کو اڑا دیا, یعنی ان کے جو بڑے بڑے پریس تھے جو ان کے اندر ایک ریلیجیس فورس تھے, ان کا خاتمہ کر دیا گیا. جب وہی نہیں رہے تو ریلیجن کی انہیں کون انفارمیشن دیتا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں ایک طبقہ ہوتا تھا, اسی کے پاس علم ہوتا تھا اور باقی لوگ جاہل ہوتے تھے. جب علم ہی ختم کر دیا جائے تو پھر جاہلوں کو ادھر ادھر لگانا آسان ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دین کا علم حاصل کرو. اب یہ لفظ ساون کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ساون کا مطلب ہے
कि अब आ रहा है अंधेरा, यानी कि समर का इख्तिताम, यानी कि साल का वो हिस्सा जिसमें अंधेरा ज़्यादा और रोशनी और उम्मीद की किरणें कम। तो इसको ये इस सावन के फेस्टिवल से मनाते थे कि समर ख़त्म हो रहा है, फसलें अब नहीं उगेंगी, सख्त सर्द रातें आएंगी। अक्सर लोग इनमें से इन्हीं सर्दियों में मर भी जाते थे क्योंकि उनके पास कोई बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ इतनी नहीं थी कि वो सख्त विंटर में सर्वाइव कर सकते हों। तो जब फसलों की कटाई का काम पूरा हो चुका होता तो ये एक बड़े अलाव में आग जलाते और उसके गिर्द बैठते और किस्से और कहानियाँ होती। ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चीज़ें इसमें दाखिल होती रहीं। इनका मानना ये था कि इस रात को, यानी 31 अक्टूबर की रात को, वो लोग जो हमें छोड़ के जा चुके हैं और हमारे दरमियान एक ब्रिज खुलता है, यानी वो लोग जो मर चुके हैं और वो लोग जो ज़िंदा हैं इनके दरमियान एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा 31 अक्टूबर की रात को खुलता है और परियाँ और बलाएँ और भूत हमारी दुनिया में दाखिल होते हैं और उनसे बचाव के लिए ये आग जलाते, अजीबोगरीब किस्म के कपड़े पहनते ताकि भूत इनके ऊपर हमला ना कर सकें। उस ज़माने में भी किसी के साथ अगर ट्रिक और ट्रेट का मामला हो जाए, किसी को कोई ट्रिक कर दे, तो ये क्या होता कि ये समझते कि किसी परी ने हमें ट्रिक किया है। ये जानवर ज़िबाह करते और जानवरों को शहर से बाहर फेंक देते और ये उम्मीद रखते कि इस तरह भूत प्रीत ये खाना खा लेंगे और इन्हें इस साल के लिए छोड़ देंगे। अगर कोई बीमार हो जाता तो उसकी भी उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट होता कि ये किसी भूत प्रीत की वजह से बीमार हुआ है, इसे ट्रिक किया गया है, इसने कोई ना कोई ऐसा काम किया था कि दे क्रॉस्ड ओवर एंड दे अफेक्टेड हिम। ये इनके लिए एक लाजिम सेलिब्रेशन होता था कि इसमें 3 दिन और 3 रातों तक ये सेलिब्रेशन होता था। लोग इसमें लाजिम हाजिर होते और अपने बादशाहों और अपने सरदारों के आगे पेश होते और अगर कोई ऐसा ना करता तो उसके लिए यही समझा जाता कि अब इसको खुदा, इनके जो गॉड्स हैं, वो पनिश करेंगे, या तो वो बीमार हो जाएगा या उसे मौत ही आ लेगी। इसी तरह इनका ये मानना था कि ड्रुइड्स कौन होते हैं, इनके जो प्रीस्ट्स होते थे उन्हें ये ड्रुइड्स कहते थे। तो इनका ये भी मानना था कि ये जब बलाएं क्रॉस ओवर करके इधर आती हैं, जो इनके जो प्रीस्ट्स हैं, जो ड्रुइड्स हैं, वो इन बलाओं की मदद से आने वाले वाक़यात जान जाएंगे और यूं इनको बता देंगे कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है और ये इस तरह अपने आप को ट्रबल से बचा सकेंगे। तो इसीलिए इनके जो प्रीस्ट, जो ड्रूड्स होते थे, वो बड़े बड़े अलाव जलाते थे आग के और उसके गिर्द ये बैठ जाया करते थे और उसके अलावा कुछ अपने बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ भी सुनाया करते थे कि किस तरह हक और बातिल के दरमियान लड़ाई हुई। कुछ कहानियों में एक ऐसे शख्स की कहानी भी थी जो उस पार गया जब ये दरवाज़ा खुला और उसने क्या क्या देखा, इससे भी मुतालिक कुछ कहानियाँ चलती थीं। ये सैक्रिफाइसेस करते थे और क्रॉप्स को जलाते थे और इसी तरह ये बिलीव करते थे कि ऐसा करने से देवी देवता या वो बदरू हैं खुश होंगी और इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। जब रोमन्स इस लैंड पर हावी हुए तो उन्होंने भी अपने कुछ फेस्टिवल्स कैल्टिक के अंदर घुसा और यूँ कैल्टिक ट्रेडिशन में सेब इंट्रोड्यूस हुआ, जो उस ज़माने में रोमन्स के यहाँ इस्तेमाल होता था उस गॉडेस को खुश करने के लिए जो फ्रूट और ट्री की गॉडेस थी। अब आते हैं May 13, 609 AD में, यानी अब से कोई 1400 साल कबल। पोप बोनिफेस 4 इसने डेडिकेट किया द पैंथियन इन रोम इन ऑनर फॉर ऑल क्रिश्चियन मार्टियर्स, वो लोग जो क्रिश्चियन इनके नज़दीक मार्टियर हो गए थे, शहीद हो गए थे, उनके नाम से ये दिन मौसूम किया गया। और कैथलिक फीस्ट ऑल मार्टियर्स डे, शुहदा का दिन, एक ऐसा फेस्टिवल बनाकर वेस्टर्न चर्चेज में इंट्रोड्यूस किया गया। पोप ग्रेगरी 3 वो उसने इसको लेकर एक्सपेंड किया और इसके अंदर फेस्टिवल्स को शामिल किया जिसके अंदर सेंट के साथ साथ शुहदा यानी मार्टियर्स को भी शामिल किया गया और इसकी ऑब्जर्वेंस यानी ये फेस्टिवल मनाना उसने May 13 से November 1 को मूव किया ताकि किसी ना किसी तरीके से ये जो कैल्ट्स हैं, इनके जो पुरानी पेगन रसूमात हैं, बुत परस्ती के रसूमात हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जा सकें।
ये तरीक़ा कार बाकी यूरोप में तो कामयाब रहा, लेकिन कैल्टिक लैंड में इसको वो कामयाबी नहीं मिली। बाय द 9th century, यानी अब से कोई 1200 साल कबल, ग्रेजुअली बाज़ चीज़ें कैल्टिक की आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी बाकी रहीं। अब से 1000 साल कबल चर्च ने November 2 को ऑल सोल्स डे मनाने का ऐलान किया, ताकि उन लोगों को जो मर चुके हैं ऑनर किया जाए। इस ज़मीन में यूरोप में स्पेशली इंग्लैंड में पेस्ट्रीज या केक पीसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे गरीब लोगों को, इस शर्त पर, इस प्रॉमिस के साथ कि वो उनके उन लोगों के लिए दुआएं खैर करेंगे जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ऑल सेंट्स डे सेलिब्रेशन को ऑल हैलोज और ऑल हैलोवामस, इन दोनों नामों से भी बुलाया जाता था। जब हालोवीन का फेस्टिवल अमेरिका आया तो इट वाज लिमिटेड इन कॉलोनियल न्यू इंग्लैंड, क्योंकि एक बिकॉज ऑफ द रिजिड प्रोटेस्टेंट बिलीफ सिस्टम। हालोवीन ज़्यादातर मैरीलैंड और सदर्न कॉलोनीज में मनाया जाता था, और यहाँ के जो रहने वाले थे, यहाँ के जो बासी थे, यानी जिन्हें हम रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं, उनके कल्चर के साथ जब ये हालोवीन मिक्स हुआ तो इसकी कुछ और ही शक्ल हमें सामने देखने को मिली। अब उसकी वजह से, इसके मैश होने की वजह से, इसने एक पब्लिक लाइट पार्टी का फॉर्म ले लिया, जिसमें लोग गैदर हों, कॉस्ट्यूम्स पहने, और वक्त के साथ साथ ये ट्रिक एंड ट्रीट का मामला शुरू हुआ कि लोग घर घर जाते और उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाता। और जब ये कॉलोनियल फेस्टिवल बना तो उस ज़माने में ये भूतों की कहानियाँ भी बताते, और कुछ उल्टी सीधी मिसचीव्स होती, इस तरह के मामलात भी होते जिन्हें आप ट्रिक्स कहते हैं। तो बाय द मिडल ऑफ 19th century, अब से कोई 150 साल के लगभग, ये फेस्टिवल इस फॉर्म में चला गया कि लोग खेती बाड़ी के बाद जब फारिग होते, चूँकि ऑटम यानी फॉल जो है उसका आगाज़ होता, मज़ीद किसी फसल की उम्मीद नहीं होती, तो उस वक्त ये फॉल के या ऑटम के फेस्टिविटीज़ के तौर पर इसे मनाया जाने लगा। जब 1850 के से 1900 के ज़माना आया तो ज़माने में आयरलैंड से बहुत सारे लोग इमिग्रेट करके अमेरिका आए। इस ज़माने में बहुत सारे आयरिश लोगों ने अपने साथ जो ट्रेडिशंस अपने लेकर आए, उसने यहाँ की फेस्टिविटीज़ पर, स्पेशली ऑटम यानी फॉल की फेस्टिविटीज़ पर, एक इन्फ्लुएंस यानी छाप डाली। छाप के नतीजे में अमेरिकन्स भी इस तारीख को, इस दिन मुख्तलिफ कपड़ों में मलबूस घर घर जाते और लोगों से फूड या पैसे मांगते, और ये प्रैक्टिस इवेंचुअली ट्रिक और ट्रीट की प्रैक्टिस बन गई, जिसे आज बच्चे घर घर जाते हैं और उन्हें कैंडीज़ दी जाती हैं या चॉकलेट्स या किसी भी किस्म की स्वीट्स दी जाती हैं। ट्रेडिशन अब ये है कि इसको थोड़ा सा सिविलाइज कर दिया गया है कि बजाय हर घर जाके घंटी बजाएं, तो जो घर बच्चों को कैंडीज़ देना चाहते हैं वो अपने घर की लाइट ऑन करते हैं। यहाँ पे घरों के बाहर लाइट्स होती हैं जो रात को घर वाले ऑन करते हैं, ताकि थोड़ा सा घर के सामने रोशनी रहे। स्ट्रीट लाइट्स भी होती हैं, उसके बाद आपके घर की लाइट होती है तो थोड़ी रोशनी रहती है, तो आने जाने वालों को भी थोड़ी रोशनी मिल जाती है। तो जिन लोगों को, अब चूँकि ये इवेंट दिन के वक्त होता है, तो लोग क्या करते हैं, जिन्होंने बच्चों को कैंडीज़ देने होती हैं वो अपने घर के बाहर की लाइट ऑन कर देते हैं। तो जिस घर की लाइट ऑन हो, बच्चे सिर्फ उसी घर पर जाते हैं, बेल बजाते हैं और वो उन्हें कैंडी दे देते हैं। और अगर वो घर पर ना हो या वो डील ना करना चाह रहे हो इतनी सारी बेल्स के साथ, तो वो अपने घर के बाहर एक टोकरी रख देते हैं, उसमें कैंडीज़ डाल देते हैं और साथ निशान लगा देते हैं, प्लीज़ टेक वन। और बच्चे उमूमन यहाँ पर ऐसी ही करते हैं कि हर बच्चा एक कैंडी ही लेके जाता है, या अगर आप बच्चे के सामने टोकरी कर दें तो वो पहले पूछता है कि क्या मैं एक ले सकता हूँ या एक से ज़ायद भी ले सकता हूँ। एटिकेट्स हैं, सिविलाइज्ड जो है जब लोग हो जाते हैं तो उनमें मैनरिज्म आ जाती है, एक दूसरे की खींचातानी नहीं होती। ये भूखे नंगे लोग नहीं हैं कि ये कैंडियों के पीछे मरे जाते हैं कि बस हमें मिल जाए तो बस हम टूट पड़े, हवस नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिशन है जिसको इन्होंने अपने मुल्कों में कंटिन्यू रखा हुआ है। लेकिन याद रहे, इस ट्रेडिशन की बेसिस पेगनिज्म में है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी ने इन पेगन्स को अपने अंदर मिलाने के लिए बास ट्रेडिशंस को बरकरार रखा, बास ट्रेडिशंस को अपने अंदर जम कर लिया,
تو یہ ایک چھوٹی سی تاریخ ہے ہالووین کی. اس سے متعلق اور بہت ساری تفصیلات بھی ہیں, لیکن آج کے اس درس میں اتنا ہی. پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.